इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज और INN 7 में आप सभी का खैर मकदम है। वैसे तो जब से मरकज में मौजूदा हुकूमत का कयाम हुआ है, मुसीबतों की कोई कमी नहीं रही, पर जब से 2020 साल मुसीबतों वाला रहा, कुछ कुदरती तो कुछ हुकूमत की जानिब से रहे। खैर, कोरोना का खौफ ही काफी था जिससे अवाम बेहाल थी, अब बारिश ने और इजाफा हुआ है। पूरे मुल्क में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं, खासकर बेलगाम और अतराब की बात करें तो तकरीबन नाले नदियां भर चुके हैं, घरों में पानी दाखिल होने के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है। कहां पर फरियाद करें समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ कोरोना और बाढ़, ऐसा दोहरी मुसीबतों में आवाम फंसी हुई नजर आ रही है। इंतजामिया नाकाम है। जब बाढ़ पिछले साल आ चुकी थी तो सिर्फ NDRF की टीमों को तैनात करने से मसले हल नहीं होते, बल्कि निचले मोहल्लों में पानी दाखिल होने से जो परेशानी आवाम को उठानी पड़ रही है, इसका हल अब तक नहीं निकला है। खानापुर में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। बेलगाम हाईवे का कुछ हिस्सा भी पानी में जाने से कुछ देर तक आमदोरस्त रोक दी गई थी। शहर में भी काफी जगहों पर पानी जमा होने से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। बाजारों में भी पानी जमा हुआ था। मुस्तकिल बारिश से बाजारों में चहल पहल कम दिखाई दे रही थी, कारोबार ना के बराबर रहा। लॉकडाउन, कोरोना, बारिश, बाजारों में मंदी से आवाम काफी परेशान है। कई घरों की दीवारें गिरने की भी इत्तला हासिल हुई। बेल्लारी नाले में फिर से बाढ़ आई हुई है। ताज्जुब तो इस बात का है कि अभी बारिश सिर्फ दो ही दिन से बरस रही है, तो काफी मुश्किलात का सामना आवाम को करना पड़ रहा है। अगर इसी तरह से मुस्तकिल बारिश जारी होने से क्या होगा? इंतजामिया को चाहिए था कि पिछले साल से सबक लेकर इस बार उसकी तैयारी पहले से ही करनी थी, पर बेलगाम कॉरपोरेशन इंतजामिया नाकाम नजर आ रही है। घरों में पानी दाखिल होने से आवाम को पूरी रात बैठ कर निकालनी पड़ रही है। बेलगाम शहर के आवाम को पानी पिलाने वाले राकस को पानी जखीरा लबालब भरा हुआ है, यानी कि पीने के पानी की दुश्वारियां इस साल के लिए खत्म हो चुके। शहर के अतराफ की नदियां भी मुकम्मल भरी हुई है। मारकंडे नदी का पानी सड़क पर आ चुका है। कोरोना आलमी वबा का खौफ कम होने को तैयार नहीं। आज फिर से 250 के करीब पॉजिटिव मरीज पाए गए, तो मौतों का आंकड़ा भी हर रोज की तरह रहा। तकरीबन 5 मौतों की तस्दीक हो चुकी है। बिम्स अस्पताल से अवाम काफी नाराज नजर आ रही है। जिन लोगों की मौत हो रही है उसे बिम्स को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि ठीक से देखभाल नहीं हो रही। लोगों में एक नया रुझान ये भी देखा जा रहा है कि घरों में ही इलाज किया जाए। जिला सरकारी अस्पतालों से भरोसा खत्म होता दिखाई दे रहा है। तकरीबन सरकारी दफ्तरों में कोरोना मुतासिर मरीज पाए जा रहे हैं। हर रोज बढ़ते मरीज सेहत महकमा की परेशानी में इजाफा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर मामलों को किस तरह काबू में लाया जाए इस पर तबादले ख्याल किया जा रहा है। डॉक्टरों की जानिब से लापरवाही दिखाई दे रही है। बेलगाम जिला में ऐसी भी वारदात देखने को मिली कि एक ही शख्स के दो नतीजे यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आए हुए हैं। अब जाहिर है आवाम के जहन में शक व शुबात आना लाजिम है, क्या स्वैब टेस्टिंग भी सही है या नहीं, ऐसा भी आवाम से सवाल पूछते देखा जा रहा है। क्या इंतजामिया लापरवाह डॉक्टरों पर कार्रवाई करेगी? पूरे मुल्क में 20 लाख से भी ज्यादा पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पार हुआ है, तो रियासत में अब तक 1.5 लाख से भी ज्यादा मुतासिर मरीज पाए गए, तो मौतों का आंकड़ा 3,000 के करीब पहुंच। बेलगाम पुलिस महकमा में भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। 53 पुलिस वालों को कोरोना मुतासिर पाया गया है। बेलगाम शहर और अतराफ में 11 की मौत कोरोना से होने की खबर है। बेलगाम शहर के कई इलाकों से पॉजिटिव मरीज आज भी पाए जा रहे हैं। खड़े बाजार पुलिस थाने के हवालदार और मारियाल पुलिस थाने के हवालदार कोरोना मुतासिर पाए जाने की खबर है। सबसे अहम बात तो यह है, जब पूरा मुल्क, रियासत, शहर, बारिश, बाढ़, कोरोना, ठप्प कारोबार से परेशान है, हुकूमतें नाकाम है, गरीब की जिंदगी सिसक रही है, पर सियासी लीडर धर्म मजहब के आड़ में अपनी नाकामी को किस कदर छिपा रहे हैं, इसका अंदाजा सभी को आया होगा। क्या इंसानी जिंदगी से बढ़कर मजहब हो गया? आज अस्पतालों में इलाज ठीक से ना होने से मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आप इस सच्चाई से भी भाग नहीं सकते कि अक्सर लोगों को दो वक्त की रोटी कैसे जुटाई सवाल ने हैरान कर रखा है, पर आवाम को दो वक्त की रोटी की बजाय किसी और दिशा में ले जाया जा रहा है और आवाम भी खामोश, हर सितम सहती दिखाई दे रही है। अब जब एहसास खत्म हो जाता है, किसी तवक्को की उम्मीद भी बेकार बन जाती है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह।